मेरे पास दोस्तों एक क्वेश्चन और ऑप्शन है, देखिए एक कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपके पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जरी गए गए निशाचर भाग। उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब दोस्तों पंक्ति आपको समझ में आई गई, चार ऑप्शन आप सामने, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, अनुप्रास, चार ऑप्शन आप सामने, कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है, एक दोहा है कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जेरी गए गए निशाचर भाग, कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा इसका अतिशोक्ति अलंकार। अब आप कहोगे अतिशोक्ति अलंकार कैसे हो गया? अतिशोक्ति का मतलब होता है बहुत, जहाँ पर अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाए। अतिशोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर काव्य में जहाँ अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ अत्यधिक क्या बड़ा चढ़ाकर बोला? देखिए दोस्तों, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, हनुमान की जो पूंछ में आग लगी ही नहीं, आग लगी ही नहीं, वो लंका सारी जरी गए गए निशाचर भाग, वो पूरी लंका जल गई, वो निशाचर यानी कि राक्षस वहाँ से भाग गए, गए निशाचर भाग, सारे राक्षस वहाँ से भाग गए। तो यानी यहाँ पे हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं और पूरी लंका जल गई और निशाचर यानी राक्षस वहाँ से भाग गए। तो यहाँ अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर कहा, इसलिए यहाँ अतिशोक्ति अलंकार। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, देखो, देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये महाराणा प्रताप के समय की बात है कि आगे नदियाँ पड़ी पार, जैसे बरसात के दिन थे तो नदी बहुत पार पूर चल रही थी, तो उस समय की बात है, घोड़ा कैसे उतरे पार, उन्होंने सोचा कि घोड़ा कैसे इस पार उतरेगा। राणा ने सोचा इस पार, मतलब इस पार राणा ने सोच ही रहा था कि तब तक चेतक था उस पार, यानी घोड़ा इतनी देर में तो उस पार निकल गया, घोड़ा इतनी देर में वहाँ से उस पार निकल गया। तो जब इस पार से उस पार निकल गया, यानी कि यहाँ पे भी अतिशोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है दोस्तों? यहाँ पे भी अतिशोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर कहा गया। तो ऐसा अगर उदाहरण आपके सामने मिल जाए कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तो इसमें अतिशोक्ति अलंकार। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।